देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में फ्लैशबैक क्या होता है, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। फ्लैशबैक इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी कहाँ पर यूज़ होता है उसके बारे में भी जानेंगे, एग्जांपल से अच्छी तरह से इसको समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पर स्वागत है। क्या है फ्लैशबैक? ये फ्लैशबैक जो है लिटरेचर में एक लिटरेरी डिवाइस है या फिर एक फिगरेटिव टेक्निक है। क्या टेक्निक है तो आगे इसको हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लैशबैक कैसे बनाए। देखिए, फ्लैशबैक जो है वर्ड है, कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, फ्लैश एंड बैक, जिसका मतलब होता है रिमेम्बरेंस, मतलब स्मृति या याद। तो याद में कोई चीज़ अगर पुरानी बातें ही याद आती है, जाहिर सी बात आगे वाली चीज़ तो आप याद कर नहीं सकते हैं, भविष्य को तो आप याद कर नहीं सकते हैं, तो पास्ट को आप याद करते हैं तो वही आपका फ्लैशबैक है। मतलब पास्ट में कुछ चीज़ें अगर घटनाएं घटित होती है और अचानक दिमाग में आता है तो वो आपका फ्लैशबैक है। तो कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि फ्लैशबैक इज़ द रिकॉल ऑफ द पास्ट इवेंट्स, मतलब पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हैं आप उसको रिकॉल करेंगे प्रेजेंट में तो वो आपका फ्लैशबैक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए फ्लैशबैक का, कि एक लड़की है, उनकी शादी होने वाली है और घूंघट में है वो, अचानक उसको याद आता है अपने बचपन वाले दिन और वो पुराने जो पास्ट इवेंट्स हैं उनके पेरेंट्स के साथ में, अपने माता पिता के साथ में जो बिताई होती है वो खुशहाल पल उसके बारे में याद करती है और अचानक उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो ये सोचती है, फ्लैशबैक में चली जाती है ये सब सोच करके, मतलब जब ये सोचती है तो फ्लैशबैक में होती है, उसके बाद उनके आंखों में आंसू आता है और वो ये सोचती है कि अब तो हमको इस घर से और अपने पेरेंट्स से जुदा होना पड़ेगा, जुदा कर दिया जाएगा। तो वही आपका फ्लैशबैक है। यहाँ तक समझ में अगर नहीं आया तो और आगे चलते हैं और अच्छी तरह समझते हैं। जैसे बोलेंगे देयर इज़ अ सीन ब्रेक, मतलब कोई चलचित्र है, कोई फिल्म है या कोई स्टोरी है या नॉवेल है, वो नॉवेल चल रहा है, मतलब आप पढ़ रहे हैं, अचानक उसमें एक ब्रेक आता है सीन का और वो बताने लगता है जो कहानी पहले ही घट चुकी है। मतलब के जवानी की कहानी दिखाई जा रही थी, अचानक आपको बचपनों वाली कहानी दिखाया जाने लगा या बताया जाने लगा तो वही आपका फ्लैशबैक है। या यह फ्लैशबैक कहाँ पर यूज़ होता है? देखिए, फ्लैशबैक इज़ अ सीन दैट रिटर्न्स टू द इवेंट्स इन द पास्ट, ये तो समझ में आ गया। एंड इट मे बी द पार्ट ऑफ एनी फिल्म, नॉवेल, प्ले, मतलब ड्रामा या ह्यूमन थॉट, मतलब आप जो सोचते हैं कभी कभी आप फ्लैशबैक में चले जाते हैं वो भी आपका फ्लैशबैक कहलाता है, रिमेम्बरेंस कहलाएगा, मतलब स्मृति। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए एक और फ्लैशबैक का अच्छी तरह से समझने के लिए, कि एक लड़की है स्टोरी में, तो स्टोरी चलती रहती है, अचानक वो लड़की जो है हाइट को देखती है और हाइट पर कोई है तो वो फ्लैशबैक में चली जाती है कि किस तरह से वो एक बार गिर गई थी ऐसे हाइट पर जब चढ़ी थी, तो यही आपका फ्लैशबैक है। ठीक है, देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली ये बात है कि एनालेप्सिस जो है इसको भी हम फ्लैशबैक के ही मीनिंग में लेते हैं, समटाइम्स नोन एज एनालेप्सिस विच टेल्स द स्टोरी ऑफ द पास्ट, मतलब फ्लैशबैक इक्वल टू एनालेप्सिस। तो एनालेप्सिस का भी अगर पूछा जाता है कि एनालेप्सिस क्या है, मतलब एनालेप्सिस मतलब फ्लैशबैक। एग्जांपल देख लीजिए इसका भी, इन द फिल्म टाइटैनिक 1997 में टाइटैनिक डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरॉन, तो वहाँ पर एक स्टोरी चलती रहती है, तो जो सर्वाइवर है रोज जो बचती है तो वो कहानी बताती है, वो फ्लैशबैक में कहानी बताती है, तो या फिर आप एनालेप्सिस भी बोल लीजिए तो एनालेप्सिस में कहानी बताती है। ठीक है, फाइनल एग्जांपल आप लिटरेचर में देखते हैं फिर वीडियो को ख़त्म कर देंगे। जैसे कि द बैलेट, एक बैलेट है द क्रूएल मदर, मतलब क्रूर माँ, तो इसमें एक फ्लैशबैक का सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि इस बैलेट में जब ये सॉन्ग है, बैलेट का मतलब सॉन्ग है, तो माँ जो है अपने मर्डर किए हुए बच्चे को याद करती है, मतलब दो जुड़वा बच्चे होते हैं, मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं उनको उनकी खुद माँ जो है उनको मर्डर कर देती है, इसलिए कि वो जो है अनमैरिड प्रेग्नेंट हो जाती है किसी सर्वेंट से, अपने फादर के सर्वेंट से, तो वो डर की वजह से
वो उनका मर्डर कर देती है और उसको छुपा देती है जंगल में, लकड़ी में जंगल में छुपा देती है। और वो चर्च जा रही होती है शादी करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर वो याद करती है अपने दोनों बच्चों को, मतलब पैदा होते हुए, जवान होते हुए, फिर खेलते कूदते हुए, फिर मरते हुए भी देखती है वो। तो वो आपका वो फ्लैशबैक में ये सारी चीज़ें देखती है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने फ्लैशबैक को और एनालिसिस को एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक